नौवीं जमात दे प्यारे बच्चों, अज असीं वार्तक भाग का दूजा पाठ गली विच पढ़ांगे, जिस दे लेखक हन पंडित शरदा राम फिलोरी। तां बच्चों आओ सुनदे हां पाठ गली विच। जमात नौवीं, पंडित शरदा राम फिलोरी, पाठ गली विच। मिसराणी छेती छेती दो त्रै टप्पे सुना दिते, ता सबे घर आईया रसोई कर खा के वेलियां हुईया, ते हिक वणजारा गली विच आण बै। किसे पुछया, भाई तेरे कोल ददासा हई विखा खा, केहा कुरंगला जे। किसे आख्या, भाई मलम्मे दे वालियां दा की मुल जे। कोई बोली, विखा खा तेरे पास बिंदियां केहियां कु हुंदियां ने। किसे छले ते किसे छापां दा पाउ पुछया, जा मणजारा किसे वल वेख के हस पैंदा अते किसे वल अखा मटकाउंदा जापया। तहिक बोली, वेख कुड़े गंगी, मोया मणजारा केहा खचरा है, औतड़िया दा कुड़ियां वल अख मटक के मारदा जे। ए सत्रां पाठ गली विच विचों इन बिन लिया गईयां हन। अज असी इस पाठ दा आधुनिक पंजाबी भाषा विच वर्णन करांगे। परिवर्तन कुदरत दा नियम है, समा कदे भी इको जिहा नहीं रहिंदा। चंगे परिवर्तन दा सानू हमेशा स्वागत करना चाहिदा है। समय दे नाल नाल हर चीज विच परिवर्तन आउंदा है। साडे रहन सहन, बोलचाल, पहनन पछरन आदि हर चीज विच बदलाव आउंदा है। बाजारां दा चलन भी समय दा परिवर्तन ही है। पहला पहला खरीदो फरोखत लई आम बाजार नहीं सन, इसलिए लोक मेलियां विच जांदे सन। इस नाल लोकां दा मनोरंजन भी हो जांदा सी, अते मेले विच लगियां हटियां तो खरीदो फरोखत भी हो जांदी सी। हौली हौली हटियां ने बाजार दा रूप ले लिया, अते हुण तां असी बाजार नू अपनी जेब विच लई फिरदे हां, मतलब मोबाइल। अज कल ऑनलाइन शॉपिंग दा चलन है। पाठ गली विच राही पंडित शरदा राम फिलोरी ने 10-15 दहाकियां पहला दे पंजाब दियां गलियां विच वणजारियां वल्लों आम लोकां दी पहुंच तक वणज दे तरीकियां नू बड़े ही दिलचस्प ढंग नाल अते बोलचाल दे वखरे ही रंग नू बयान कीता है। उन्हां ने उस समय दबियां कुटियां घरेलू औरतां दे नित जीवन दा भी जिक्र कीता है। छाबड़ी वाला गली विच आउंदा है तां कोई औरत छुक्कड़, कोई औरत सलूणा मंगदी है, किसे नू सेवियां ते किसे नू पापड़ चाहिदा है, किसे नू नमकीन दाल चाहिदी है। कोई अपने चुबारे विचों छीकू विच पैसे पा के रस्सी नाल बन के हेठा लटका दिंदी है ते छाबड़ी वाला समान पा देंदा है। छाबड़ी वाला सारा समान एक ही गली विच वेच के खत्म करके जाना चाहुंदा है। शरदा राम जी गली विच सवेरे अमृत वेले गुरुद्वारे वल जांदियां औरतां दी आपस विच हुंदी गलबात बारे भी दसदे हन। ओह कहिंदियां हन कि इशनान करन तो बाद उना ने कथा सुननी है, पर ओह किसे खास मिसराणी तो ही कथा सुननियां चाहुंदियां हन, क्योंकि ओह कथा छेती समाप्त कर दिंदी है अते ओ समय सिर घर पहुंच के रोटियां बना सकदियां हन। पंडित जी ने बड़ी खूबसूरती नाल उना दी भाषा दा रंग खिलारिया है, जिवें कद बेलियां होवांगियां, जां तू वड्डी जिलमिल करनी है, जां बेबे सखाली है ना जजमाना दे घर राम रखो बथेरे हैं, हंदकारी आ जाणगियां, जांदी ही खा लमेंगी, औखी ते असां नू बनेगी, ना कि जिन्ना अपने हथी जाके पकौणियां हन। गली विच जदों मस्खरा वणजारा आउंदा है तां कुड़ियां उहदे दुआले कठियां हो जांदियां हन। कोई दंदासे बारे पुछदी है, कोई बिंदियां मांगदी है, कोई छापां छल्ले लैणे चाहुंदी है। कोई सियाणी उम्र दी औरत जदों वणजारे दे शरारती होण दी गल करदी है तां दूजी जवाब विच ओहनू कहिंदी है कि कोई नी, जदों अपना मन साफ होए तां दूजा ओहनू मूंह विच नहीं पौंदा। अखे
मन चंगा ते कठौती विच गंगा। फिर बुजुर्ग औरत आके उथो वणजारे नू उथो जान लई अते कुड़िया नू उथे खड़ के ही ना करन नू कहंदी है। वणजारे दे जान पिछो उथे पांदा आ जांदा है। पांदा मतलब हथ वेखण वाला। पांदा पहलो ही उना करा ते उना करा दिया स्वाणिया बारे जानकारी ले लेंदा है अते फिर उना औरता नू मूरख बनाउंदा है। ओ किसे औरत नू कहंदा है कि तेरी दरानी माड़ी है पर तेरा दिल चंगा है। कोई उस नू पुछदी है कि मेरी सस नाल किवें बनेगी। कोई अपने भरा दी मंगनी बारे पुछदी है। औरता उस नू सच्चा मन के अपने दिल फोल दिया हन ते पांदा उना कोलो छाप जा छल्ला जा कोई कपड़ा लेके चलदा बनदा है।